हेलो दोस्तों, आप सभी का दिल खोल के स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल M क्लासेज में। तो ये वीडियो CBSE स्टूडेंटों के लिए बहुत ही ज्यादा खास होने वाली है कि जिन बच्चों के कंपार्टमेंट लग गया था तो उनका जो टाइम टेबल है कंपार्टमेंट एग्जाम का वो आ गया है। ये बहुत ही खुशी की बात है, इसका आपको बहुत ही इंतजार था काफी दिनों से कि सर टाइम कब आएगा, टाइम टेबल हमारा कंपार्टमेंट एग्जाम का टाइमिंग क्या रहेगा, किस डेट को हमारे एग्जाम होंगे, क्या हमारा सब्जेक्ट कोड रहेगा। तो सारी चीजें इस वीडियो में आपकी क्लियर हो जाएगी। आपको दिख ही रहा होगा मेरे बोर्ड पर बहुत सारे सब्जेक्ट लिख रखे हैं, और भी सब्जेक्ट रह गए हैं, जैसे आपका फिजिक्स रह गया, मैथ रह गया, केमिस्ट्री रह गया, ज्योग्राफी रह गया, पॉलिटिकल रह गया, ठीक है। तो उन सभी को मैं इस बोर्ड पर लिख पाना संभव नहीं था, ठीक है। लेकिन आप लास्ट तक देखना, उन सभी चीजों के बारे में इसी वीडियो में डिस्कस करूंगा, आप वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। ये टाइम टेबल है 12th क्लास का, CBSE 12th क्लास कंपार्टमेंट एग्जाम डेट सीट। क्या गई है आपकी डेट सीट आ गई है कि आप एग्जाम कब होगा, टाइमिंग क्या रहेगी, और पेपर का जो कोड है, सब्जेक्ट जो कोड है आपका, वो क्या होने वाला है। तो देखिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक बात बता दूं मैं आपको, ये तो है 12th क्लास का डेट सीट। जैसे 10th क्लास की डेट सीट आएगी तो सबसे पहले आपको डेट सीट हमारे इस चैनल पर देखने को मिलेगी। इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखिए, जैसा कि आप सभी को पता था, आपका एग्जाम पहले मैंने आपको वीडियो डाल दी थी कि जो आपका कंपार्टमेंट एग्जाम है वो 23 तारीख से स्टार्ट होगा अगस्त के अंदर, ठीक है। तो 23 तारीख से ही स्टार्ट है अगस्त में। क्या रहने वाला है टाइम, सुनो ध्यान से। मैंने कुछ विशेष यहां देखो, डेट टाइम एंड टाइम, डे है, डे कौन सा है, मंगलवार रहेगा उस दिन आपका, दिनांक क्या है आपकी, डेट क्या है 23 है, और टाइमिंग क्या रहेगा आपका, टाइमिंग है एग्जाम का मॉर्निंग में 10:30 से 11:30 बजे तक होगा आपका एग्जाम। तो कितने घंटे होगा आपका एग्जाम, ये होगा आपका 1 घंटे का एग्जाम, ध्यान रखना ये क्या होगा, 1 घंटे का एग्जाम। अब 1 घंटे का जो एग्जाम होगा वो किन किन सब्जेक्टों का होगा, तो मैंने यहाँ सब्जेक्ट नेम लिखे हुए हैं, ये जो दिख रहे हैं आपको, ये क्या है, सब्जेक्ट को नाम है जो 1 घंटे के एग्जाम होंगे। यहां देखना और ये देखो, ये क्या है आपका सब्जेक्ट नेम है, ये है आपका सब्जेक्ट कोड। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि आपका जो सब्जेक्ट है उसका जो कोड क्या रहने वाला है, तो जिसके कंपार्टमेंट लगा है, जिस भी सब्जेक्ट में लगा है, कृपया करके वो ध्यान दें, उनका एग्जाम 1 घंटे का होगा, टाइमिंग रहेगी 10:30 से 11:30 बजे मॉर्निंग में, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूं आप सब्जेक्ट समझ लेना, क्योंकि मैं सब्जेक्ट बताने बैठूंगा तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, और सब्जेक्ट बताने की मेरे हिसाब से ज्यादा खास आवश्यकता है नहीं, इंपॉर्टेंट है तो क्या है, सब्जेक्ट कोड। देखो जिनका सब्जेक्ट कोड 34 है, 35 है, 49 है, 50 है, 51 है, 52 है, 57 है, और 821 है, और 830 है, और 841 है, और 842 है, और 843 है, जिनका भी ये सब्जेक्ट कोड है, जिनके कंपार्टमेंट लगा है, याद रखना उनका जो एग्जाम होगा वो 23 तारीख को होगा, और टाइम रहेगा एग्जाम का 10:30 से 11:30 बजे का। बात क्लियर हो गई, ठीक है। अब चलते हैं हम आगे, देखिए ये टाइमिंग है, ये एग्जाम ये भी कब होगा आपका, 23 तारीख को ही होगा, कब होगा, 23 तारीख को ये भी आपका एग्जाम होगा। टाइमिंग क्या रहेगा, 10:30 बजे से 12 बजे, 10:30 बजे से 12 बजे का आपका क्या रहेगा, ये टाइमिंग रहने वाला है, ये पीएम, सॉरी गलती से लिख दिया, ये क्या है आपका एएम है, ये क्या है आपका पीएम है, ठीक है। 10:30 बजे से 12 बजे तक आपका क्या रहेगा, एग्जाम रहेगा, ये भी आपका कब होगा, 23 तारीख को होगा। ये 10:30 से 11:30 है, ये 10:30 से 12 है, कहने का मतलब क्या है, ये 1.5 घंटे का, कितने घंटे एग्जाम होगा आपका, 1.5 घंटे का आपका एग्जाम होने वाला है। अब देखिए आगे, अब बात करते हैं जिनका 1.5 घंटे का एग्जाम होगा, जिन सब्जेक्टों का,
उनके मैंने सब्जेक्ट कोड लिखे हुए हैं और सब्जेक्ट कोड के साथ साथ उनके नेम भी लिखे हुए हैं कि कौन सा सब्जेक्ट का कोड क्या है। ठीक है, जैसे 800A के इसमें क्या आएगा, डिटेल आएगा, है ना, ऐसे लिखा हुआ है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है 802, इसका क्या रहने वाला है सब्जेक्ट कोड, 803 आएगा, 804 आएगा, 800 से लेकर आपके खत्म होंगे कहां तक 827। याद रखना 801 से स्टार्ट होंगे पेपर, सब्जेक्ट कोड है जिनके भी, उनके जो कंपार्टमेंट लगाए हैं उन सभी का कहां तक पहुंच जाएगा, 827 तक। तो याद रखना, जिसका जिसमें भी कंपार्टमेंट लगा है सब्जेक्ट कोड सभी को याद होगा, तो यहां से मैच कर लेना कि आपका सब्जेक्ट कोड क्या है और आपका एग्जाम होगा 1.5 घंटे का, याद रखना इस बात को। अब जिनका सब्जेक्ट कोड 831 है, 835 है, 836 है, 837 है, जो क्या है फैशन स्टडी, तो ये जो सब्जेक्ट कोड है जिनके भी कंपार्टमेंट जिसमें भी लगा है उसको पता लग जाएगा कि भैया मेरा सब्जेक्ट कोड सर ये है तो मेरे इसमें कंपार्टमेंट लगा है, मैं इस कैटेगरी में आऊंगा या मैं इस कैटेगरी में आऊंगा। ये है आपका डेट शीट। अभी 12th क्लास की कंपार्टमेंट एग्जाम की डेट शीट कंप्लीट नहीं हुई है, अभी भी काफी सब्जेक्ट बच गए हैं, अभी हमें उसी चीज को क्लियर करने वाला हूं, तो आप बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत करना और नेक्स्ट वीडियो पर मत जाना, क्योंकि इसी वीडियो में हम सब चीजों को क्लियर करने वाले हैं। तो ये बात आपको यदि समझ आ गई हो तो मैं आगे चलता हूं। आगे सभी को कोई डाउट रह जाए सेस तो आप कमेंट करना, मैं आपको जरूर रिप्लाई दूंगा। ठीक है, तो देखिए बाप, ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं दूर हट जाता हूं जिससे कि आपको दिक्कत नहीं आए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये रहेगा आपका डेट शीट, ले ली स्क्रीनशॉट। अब देखो हम बात करते हैं और जो हमारे सब्जेक्ट बच गए हैं उनका जो है सब्जेक्ट कोड वो क्या रहेगा और टाइमिंग क्या रहेगा। तो देखिए, तो उनको मैंने रद्द कर दिया है और जो आपके इन कंपार्टमेंट लगाए हैं उनका जो डेट शीट है उसको मैंने लिख दिया है। देखो मैं आपके लिए इतनी मेहनत की है मैंने आपको इस डेट शीट को समझाने में, तो आपका भी फर्ज बनता है कि यदि आप चैनल पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और अपने जितना हो सके अपने दोस्तों के पास शेयर करो, जिससे कि हर एक बच्चे को पता लग जाना चाहिए कि उसका एग्जाम कब है और किस टाइम पर है। अब बात करते हैं जो आपके और सब्जेक्ट बच गए हैं जिनमें आपका कंपार्टमेंट आया है, उन सभी को मैंने लिख दिया है। ठीक है, ये बात चल रही है 12th क्लास वालों की। अब देखो, तो ये भी आपका जो एग्जाम है भैया 23 तारीख को ही होगा, कब होगा 23 तारीख को ही एग्जाम होने वाले हैं, जितने मैंने लिख रखे हैं। जो टाइम देने वाला है वो रहेगा 10:30 से 12:30, 10:30 से 12:30 बजे तक आपका एग्जाम रहेगा। कहने का मतलब क्या है कि आपका जो टोटल टाइम है एग्जाम का वो कितना हो जाएगा, 2 आवर, कितना हो जाएगा 2 आवर, 10:30 से 12:30। यहां तक बात समझ आ गई सभी को। अब देखिए मैं लिख रहा क्या है, सब्जेक्ट कोड और सब्जेक्टों के नाम, कि जिस सब्जेक्ट का कोड ये है तो इसका जो नेम होगा सब्जेक्ट के इस कोड में वो क्या होने वाला है, सभी चीजों को मैंने लिख रखा है। देखो एक पर आपका इंग्लिश इलेक्टिविटी, ठीक है, क्या होने वाला है इंग्लिश इलेक्टिविटी, जिनका भी सब्जेक्ट कोड 001 है, ठीक है, कंपार्टमेंट लगा है तो ध्यान रखना उनका एग्जाम 23 तारीख को है, समय रहेगा 10:30 से 12:30 बजे तक। ऐसे ही मैंने सभी सब्जेक्ट कोड लिखे हुए हैं 002, 003, 022, 027, 028, 029, 030, 037, 039, 041, 042, 043, 044, 045, 048, 047, 055, 066, 764, है ना। तो ये आपके सब्जेक्ट कोड है, इनका नाम है 065, 066, 074, 076, 083, 104, 105, 106, 111, 112, 113, 115, 118, 124, 198, 241, 301, 302, 303, 322। ये जो सब्जेक्ट कोड है
उनका एग्जाम होगा 23 अगस्त 10:30 से 12:30। टाइम रहेगा, मिलेगा आपको 2 घंटे का। तो ये थी आपकी 12th क्लास की कंपार्टमेंट एग्जाम डेट शीट। तो दोस्तों जितने भी आपके सब्जेक्ट होते हैं 12th क्लास CBSE के अंदर, जो जिसने भी जो ले रखा है, आपको पता है कि 12th क्लास में सिर्फ एक ही सब्जेक्ट में क्या लगता है, कंपार्टमेंट लगता है, पता है ना सभी को? हाँ जी। तो क्या होने वाला है, अब जिसके भी कंपार्टमेंट जिस सब्जेक्ट में लगा है वो अपने हिसाब से देख लेना, अपने दोस्तों तक इस वीडियो को पहुंचाना, जिससे कि उनको क्या मिल सके, मदद मिल सके। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैंने आपके लिए इस डेट शीट को यहाँ लिखकर तैयार करने में बहुत ही मेहनत लगती है। आपको तो ऐसा ही लगता है कि यहाँ कोई खड़ा हो जाता है, इस बोर्ड पे लिख देता है और समझा देता है। उसी को पता होता है जो वीडियो बनाता है, वीडियो को डालता है। इसीलिए आपका फर्ज बनता है कि आप उसको जितना हो सके उतना सपोर्ट करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हम मिलेंगे जब भी 10th क्लास की एग्जाम डेट शीट आ जाएगी उसके साथ। यदि आप 10th क्लास के स्टूडेंट हो तो आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि जैसे मैं वीडियो डालूंगा नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।